सुधीर जी हुजूम तो बहुत है, भीड़ भी दिख रहा है आज नव निर्माण के बाद संघर्ष। निश्चित रूप से है, जब लोग विचारधाराओं पर चलेंगे, जब राज्य के गठन की विचारधाराओं के साथ चलेंगे तो ये काम पूरा होगा। लेकिन विचारधाराओं को तिलांजलि देने से ये राज्य कभी भी अपने अस्तित्व पे या फिर अपनी अस्मिता को सुरक्षित नहीं रह सकता है। मैंने इसी बात को कहा है, विनोद बाबू केवल नाम नहीं, विनोद बाबू एक विचारधारा है और उनकी विचार आज भी प्रासंगिक है। और उनका वो दो शब्द पढ़ो और लड़ो, ये बिल्कुल विवेकानंद जी की उस तरह है कि उठो जागो और लड़ो की तरह है। तो आज के समय में इस प्रदेश में चुके एक ऐसे नेता जिन्होंने राज्य की कल्पना की, जिन्होंने इस राज्य के लिए एक संघर्षित दल का गठन किया, आज कहीं ना कहीं जो इनके लिए इस प्रदेश में होना चाहिए सम्मान का, वो नहीं हो पा रहा है। साथ ही साथ अब हमारा संकल्प है कि हम उनके विचारों को अचुन्न रखने के लिए हमारा प्रयास, पार्टी ने इसीलिए नव संकल्प का कार्यक्रम आहूत किया है, उसी जमीन पर आकर उन्हें फिर से उनकी यादों को ताजा करना, ये हमारा लक्ष्य था और आज हमारे नौजवानों ने उसी का संकल्प लिया है। एक चीज आप और भी बोले कि माँ बेटा उसके बाद मैया योजना का बात किया है। मैंने बोला मैया योजना कोई भी योजना लाओ, सरकार के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये योजना आपके संकल्प का हिस्सा नहीं था, अचानक से ये योजना आती है और ये योजना को लाने का जो समय है वो कहीं ना कहीं आपके प्रश्न खड़ा करते है। अब हम लोग ने तो काम पहले ही प्रारंभ कर दिया, आप जानते हैं कई अवसर पर आप हमसे जुड़े, चूंकि चुनाव निर्धारित समय से थोड़ा पहले होगा ये सर्वविदित था, ये जानकारी पहले से ही थी। क्योंकि अभी एक निर्णय भी आ गया कि एक वन नेशन का वन इलेक्शन का अभी निर्णय आ गया, तो अब इसको समेटने की तैयारी चल रही है। तो स्वाभाविक है आगे जब हमारा महाराष्ट्र का चुनाव होगा तो हम उनके साथ ही होंगे और बहुत जल्द हो सके उनकी एक्टिविटी से तो लग रहा है कि राजनीतिक दलों से चर्चा भी करेंगे और राज्य की तैयारी पर भी चर्चा करेंगे और हम लोग रेडी है, तैयार तिथि आ जाए। हाँ कल हम लोग ने कल हमारे अपने हमारे हमारे केंद्रीय गृह मंत्री और हमारे प्रभारी मुख्यमंत्री असम जी के साथ संयुक्त रूप से इस प्रदेश के आने वाले समय और राजनीतिक एजेंडों पर काफी चर्चा हुई है। मैंने प्रदेश के कुल एजेंडे जिसके बारे में चर्चा भी कर रहा हूँ मैंने उनके सामने रखा है और मैं उनका हल भी चाहता हूं कि आने वाले समय इन विषयों का हल दूरगामी परिणाम देने वाला होगा। तो अभी हम सभी लोग अपने मैनिफेस्टो पर भी काम कर रहे हैं और राज्य के लिए हम संयुक्त रूप से लड़े उसके लिए विधानसभा बार तैयारी के आधार पर चर्चाएं भी चल रही है। बोलो आराम से जदयू भी अपनी दावेदारी कर रही है, एक बड़ी सभा कल ही की थी, उनके मंत्री आए थे, वो औपचारिक अनौपचारिक रूप से एक प्रत्याशी भी घोषणा कर दी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सहयोगी है वो, राष्ट्रीय सहयोगी दल है। यहाँ तक कि आज हमारे रामविलास पासवान जी के पुत्र जो मंत्री केंद्रीय मंत्री हैं अपने चिराग पासवान जी भी आज आए हैं, हम पार्टी के नेता भी हैं, वो भी इस प्रदेश में अपनी राजनीतिक तैयारी में है, तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। हम सब मिलकर राज्य की जरूरत पर हम लोग निर्णय लेंगे। जदयू और हम झारखंड में उनके नामों पर राजनीति करती आई है। अच्छा है, इनके नामों पर राजनीति हो तो मैं मानूंगा, विचारों पर राजनीति चले, ये उसी का घोर अभाव दिखाया जा रहा है और मैं इसी बात की चिंता जाहिर कर रहा था कि विचारों पर से अगर राजनीतिक दल आगे नहीं बढ़ेंगे, प्रबंधनों से अगर राजनीतिक दल चलेगा तो वो राजनीतिक खोखली होती जाएगी। इसीलिए आज के दिन में लगातार वोट करने वाले गांव चौपाल में बैठने वाले राजनीतिक शख्सियत से उतना विश्वास नहीं कर पा रहे, यही मेन कारण है। मैं इस बात को कह रहा हूँ कि जो परिस्थितियां बनी है, जो हालात बने हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं उस समय के निर्णय जो यहाँ के लैंड ओनर के लिए था, वो निर्णय को कहीं पीछे रखना या उस पर विचार न करना या उसको अनदेखी करना एक बड़ा कारण है आज की परिस्थिति का। झारखंड सरकार एक बिल भी ला रही है, उसको लेकर आप विरोध कर रही है, झारखंड सरकार एक बिल भी ला रही है जो आपने अभी भाषण के दौरान कहा कि वो सरकार अधिग्रहण करेगी वो जमीन। ये सरकार ने अभी कैबिनेट में इस बात को लाया है कि सीसीएल वीसीसीएल में जहाँ पर खनन काम पूरा हो गया
वो कानून काम पूरा होने का है।